के नाम का मतलब ये जूसी फूलों जैसे महक वाला बहुत ही मीठा स्वाद होता है, जैसे शहद की तरह इसमें मिठास होती है, फूलों जैसी महक होती है। दोस्तों आम एक ऐसा फल है जो कि सबको पसंद आता है और इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती है। हर प्रजाति की एक अलग खासियत होती है, हर राज्य में एक अलग तरह का आम होता है जिसकी अलग तरह की खासियत होती है। जैसे हमारे यहाँ पे लखनऊ में दशहरी फेमस है, तो वही वाराणसी में वहाँ का लंगड़ा फेमस है, तो कहीं पर अल्फांसो, कहीं पर चौसा, कहीं पर फजली, कहीं पर हिमसागर बंगाल में। तो हर आम की एक अलग खासियत होती है, एक अलग मिठास, एक अलग महक, और यही वजह है कि आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। मेरे यहाँ पे लगभग लगभग हर तरह के आम मिल जाते हैं मार्केट में, जो कि इंडिया में मिलते हैं। मेरे पास खुद भी बहुत सारी आम की प्रजातियाँ हैं, लेकिन अब मेरा मन हो रहा था कि अपने गार्डन में कुछ ऐसी प्रजातियाँ जो विदेशों में फेमस है, ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, उनको भी अपने गार्डन में ऐड किया जाए। और इसीलिए मैंने कुछ प्लांट जो है ऑनलाइन मंगाए हुए हैं। ये जितने भी आम मैंने मंगाए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा खास आम की प्रजातियां हैं, सब में एक अलग अलग खासियत है। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी आम की प्रजाति को मैंने क्यों मंगाया हुआ है। तो विदेशी आम के पौधे मैंने मंगाए हुए हैं, ये पश्चिम बंगाल की एक नर्सरी है। पश्चिम बंगाल वैसे भी फेमस है अपनी नर्सरियों के लिए। पश्चिम बंगाल की नर्सरी है जिसकी वेबसाइट है agriearth.com। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको ऊपर मेंशन कर दे रहा हूँ, उनसे मैंने मंगाया हुआ है। मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया हुआ था, मैंने कुछ प्लांट उनसे मंगा लिए। अगर ये प्लांट अच्छे निकलते हैं तो मैं आगे भी इनसे और प्लांट मंगाने वाला हूँ आने वाले टाइम में, क्योंकि मॉनसून चल रहा है। मॉनसून जितने ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरीके के प्लांट मैं अपने गार्डन में ऐड कर सकूँगा वो ऐड करूँगा, क्योंकि इनके पास एक प्लांट की बहुत बड़ी रेंज है। तो वहाँ से मैं अलग अलग तरीके के जो प्लांट हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, या फिर जो प्लांट हमारे यहाँ पे मिलते भी हैं लेकिन जो उनकी अच्छी प्रजातियाँ हैं अपने गार्डन में ऐड करने के लिए, मैं आने वाले टाइम में भी वहाँ से मंगाने वाला हूँ। तो अगर आप आने वाले टाइम में भी इस तरह के प्लांट से जुड़े हुए वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फटाफट बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, प्लांट हमारा कैसा है देखने के लिए। ये वो चार विदेशी आम की प्रजाति है जो कि इस डब्बे में पैक होकर के मेरे पास आई हुई है। चार बेहतरीन आम की प्रजाति है, सब में नेम टैग लगे हुए हैं, बड़े आराम से आप इनको पहचान सकते हैं। बोरियों में लगे हुए पौधे हैं जो काफ़ी हेल्दी कंडीशन में आप देखते हैं मेरे पास पहुंच चुके हैं। जब भी आप प्लांट लेने जाए तो यही देख के लें कि वो बोरियों या फिर पन्नियों में लगे हुए हैं। धान के पुआल में लगे हुए प्लांट आपको नहीं लेने, वो प्लांट सेट नहीं होते हैं, जल्दी मर जाते हैं। इन चारों पेड़ों की खास बात यह है कि इसमें ये सारे पौधे ग्राफ्टेड हैं, बहुत ही जल्दी आपको इसमें फल और फूल देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत के एक दो साल आपको इसमें से फल नहीं लेना है, जब भी इनमें बौर लगे उसे तोड़ करके हटा देना है। तो आप इनको पॉट में लगाना चाहें तो पॉट में लगा सकते हैं, ग्राउंड में लगाना चाहें तो ग्राउंड में लगा सकते हैं, अगर ग्राउंड स्पेस है तो वहाँ पे लगाएं। यह है UN6 आम का पौधा और ये गोल्डन क्वीन और बहुत ज़्यादा फेमस मियाजाकी आम को क्रॉस करके उनका हाइब्रिड बना करके ये तैयार किया गया था पौधा। बहुत ही अच्छी आम की प्रजाति है ये, बहुत ही मीठे फल लगते हैं, इन्हें किसी तरह का फाइबर नहीं होता, बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही बड़े साइज के कलरफुल आम लगते हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है और लगभग किलो भर तक के इसमें आम देखने को आपको मिल जाएंगे। मियाजाकी वही आम है जो कि जापान में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, एक समय में उसमें लाखों लाखों रुपए के वो आम बिक रहे थे, वही मियाजाकी का क्रॉस करके उससे अच्छी प्रजाति बनाई गई है, इसीलिए मैंने इसे मंगाया हुआ है। इसके अलावा ये कटिमन, इसे मैं बहुत टाइम से अपने गार्डन में ऐड करना चाह रहा था। इसकी खास बात ये है कि ये पौधा साल में आपको 3 बार फल देगा, इसमें एक साथ आपको फल और फूल दोनों देखने को मिल जाएंगे। मार्केट में आपको बहुत सारे आपको ऐसे आम देखने को मिल जाएंगे जो कि साल में 2-3 बार उन्हें फल आता है। कटिमन मैंने क्यों सिलेक्ट किया, उसकी खास बात ये होती है क्योंकि मार्केट में जो और आम आते हैं वो स्वाद में मीठे नहीं होते बारहमासी आम, कटिमन स्वाद में मीठा होता है, साथ ही साथ साल में 3 बार आपको फल देखने को मिलेंगे। तो जब कहीं पे भी आपको मार्केट में फल नहीं मिलेगा तो आपके गार्डन में आपको फल देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने कटिमन को सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा ये है बनाना मैंगो। बनाना मैंगो इसमें बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, काफ़ी अच्छा देखने में लगता है, इसमें लंबे लंबे फल होते हैं जिसके जो देखने लगता है पीले पीले से पकने के बाद देखने लगता था कोई केला फला हुआ है, इसीलिए इसे बनाना मैंगो कहा जाता है। बनाना मैंगो को भी मैं काफ़ी टाइम से अपने गार्डन में ऐड करना चाह रहा था, फाइनली अब ये मेरे गार्डन में ये प्लांट आ चुका है। इस पौधे को अगर आप गार्डन में लगाते हैं तो काफ़ी बड़ी कैनोपी बनती है, तो अगर आप छाया के लिए और साथ ही साथ काफ़ी खूबसूरत काफ़ी स्वाद वाला पेड़ लगाना चाहते हैं तो बनाना मैंगो को अपने गार्डन में आप जरूर ऐड करें। मैं इसे ग्राउंड में लगाऊंगा, मुझे अच्छी छाया के लिए, अच्छी कैनोपी के लिए मैं इसे लगाने वाला हूँ, साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन फल लगने वाला है। ये है नामडाक मई आम की बहुत ही बेहतरीन वेरायटी है। नामडाक मई का मतलब ही होता है जूसी और साथ ही साथ फूलों जैसी महक वाला। इसके नाम का मतलब ये जूसी फूलों जैसे महक वाला बहुत ही मीठा स्वाद होता है, जैसे शहद की तरह इसमें मिठास होती है, फूलों जैसी महक होती है, बहुत ही जूसी फल होता है, बहुत ही बेहतरीन नाम की प्रजाति है, तो इसे भी अपने गार्डन में आप जरूर ऐड करें।
अब अगर आपको साइज कंपेयर करना है कि पौधा कितना बड़ा है, तो आपको दिखा दूं मैं, ये 15x18 का मेरा ये गमला है, ग्रो बैग है, इसके बगल में आपको रख कर दिखाता हूँ। ये 18 इंच इसकी लंबाई है और इसके बाद जस्ट डबल इसका प्लांट का साइज है। तो ये काफ़ी अच्छे साइज का आप देख सकते हैं, काफी सारे के सारे पेड़ काफी अच्छे साइज के हैं, काफी हेल्दी कंडीशन है, मेरे पास सारे के सारे पेड़ पहुँच गए। देखिए अभी ये पौधे जो है वो काफी लंबा सफर तय करके आ रहे हैं, अभी इनको डायरेक्ट अगर आप ग्राउंड में लगा देंगे, डायरेक्ट धूप में लगा देंगे, तो ये मर जाएंगे, शॉक में चले जाएंगे, मर जाएंगे। अभी आपको करना ये है कि 3 से 4 दिन किसी अगर आपके पास एक्स्ट्रा पॉट पड़े हो, पॉट में लगा दें। अगर आप पॉट में लगाना चाह रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, आप पॉट में लगा करके 3 से 4 दिन आप इसे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती है वहाँ पे रखना है आपको, धीरे धीरे करके इन्हें धूप में शिफ्ट करना है। एकाएक इन्हें आप धूप में शिफ्ट कर देंगे, सारे पौधे आपके मर जाएंगे। जब भी हम ऑनलाइन प्लांट परचेज करते हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि ज़्यादातर वेबसाइट्स पे आपको COD की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, पैसे आपको पहले पे करने होते हैं, प्लांट आपको बाद में मिलता है। साथ ही साथ जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 2 से 3 दिन प्रोसेसिंग में लग जाता है, साथ ही साथ 6 से 7 दिन वहाँ से आपके यहाँ पे प्लांट पहुँचने में लग जाता है। तो लगभग 10 से 12 दिन का टाइम आपको प्लांट ऑर्डर करने के बाद लग सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है उस दौरान। चारों आम के पौधों में सबसे अच्छी प्रजाति आपको कौन सी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कौन सी प्रजाति मंगाने वाले हैं, अगर आपको मंगाना है तो कई बार क्या होता है कि लोकल मार्केट में हमें नहीं मिल पाते हैं, बहुत सी ऐसे पेड़ होते हैं जो कि हमारे लोकल नर्सरी में नहीं मिल पाते हैं, तो इनकी वेबसाइट agriearth.com पे जा करके मैंने एक व्हाट्सअप नंबर दे ही दिया है, या फिर व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके इनसे आप मंगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलते किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।